बीते 5 सालों में हमने देखा है कि दाढ़ी और टोपी को निशाना बनाया गया है। आज हमारे साथ भी एक दाढ़ी और टोपी वाले मौजूद हैं। तो जो 5 साल में सिनेरियो रहा है उसको आप किस तरीके से देखते हैं? मैं समझता हूँ कि अगर 5 साल का जिक्र किया जाए तो ये नाइंसाफी होगी, 70 साल का जिक्र करें तो ज़्यादा बेहतर है। एक आस्तीन में सांप होता है, एक खुला दुश्मन। जो दाढ़ी और टोपी को जो नुकसान पहुंचाया है, सही माने में उन सेकुलर जमातों ने पहुंचाया है जो आस्तीन का सांप थी। जिस बाबरी मस्जिद के मुद्दे को लेकर आज बीजेपी और दूसरे दल जो हुकूमत में आए हैं, उसकी बुनियाद 1949 22 दिसंबर को कांग्रेस ने रख दी थी, जब मूर्तियां मस्जिद में रखी गई थी। तो ये कहना गलत है कि जो आपको गाली पकड़ा है वो अच्छी आपका असली दुश्मन है, तो ये गलत है। असली दुश्मन वो है जो आस्तीन का सांप है। आस्तीन का सांप का काम किया उन लोगों ने जिन्होंने मुस्लिम वोट का इस्तेमाल किया। तो 5 साल का जिक्र ना करके हम 70 साल का जिक्र करेंगे तो मुसलमानों के साथ जो नाइंसाफी हुई है वो आज़ादी के बाद से शुरू हुई है, ना कि 5 साल से।